सैल्मन एक ऐसी मछली जो आमतौर पर एनाड्रोमस है, मतलब ये ताज़े पानी में पैदा होती है, सागर में विस्थापित हो जाती है और प्रजनन के लिए फिर ताज़े पानी में वापस आ जाती है। इस साइकिल में वह हज़ारों मील का सफ़र करती है। लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि मछली अंडे देने के लिए ठीक उसी जगह लौटती है जहाँ वह पैदा हुई थी। ट्रैकिंग अध्ययन से पता चला है कि यह सच है, लेकिन इस पर लंबी बहस होती रही है। तो आइए जानते हैं सैल्मन फिश के जीवन की कहानी। सैल्मन फिश दोनों जगह रहती है, अटलांटिक में और प्रशांत महासागर में। सैल्मन फिश की उम्र 3 से 8 साल तक की होती है। सैल्मन फिश के अंडे मीठे पानी की धाराओं में दिए जाते हैं, यही से उनके जीवन की यात्रा की शुरुआत होती है। अंडे से निकले इन बच्चों के साथ योग लगा होता है। सैल्मन की यह स्टेज एल्विन कहलाती है। कुछ हफ्तों तक योग उनके शरीर से लगा रहता है और मछली योग से न्यूट्रिशन लेती है। कुछ बड़ी होने पर सैल्मन फिश भारी भोजन लेने लगती है। इस समय की अवस्था को सैल्मन फ्राई कहा जाता है। छोटी जलधारा में फ्राई जल्द ही पार में विकसित हो जाती है। पार 6 महीने से 3 वर्ष तक अपनी देशी धारा में रहती है, जिसके बाद वह स्मोल्ट बन जाती है, जिसे उनके चमकदार चांदी जैसे रंग से पहचाना जा सकता है। स्मोल्ट के शरीर में कुछ बदलाव आते हैं और वह खारे पानी की ओर निकलती है। स्मोल्ट अपने प्रवास के बाद का समय खारे पानी में बिताती है, जहां उनका शरीर समुद्र के ऑस्मोरेगुलेशन का आदि हो जाता है। सैल्मन खुले सागर में 1 से 5 साल तक का समय बिताती है, जहां वह सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। वयस्क सैल्मन अंडे देने के लिए मुख्यतः अपनी जन्मधारा में लौटती है। सैल्मन अपना मार्गदर्शन कैसे करती है, इसकी सटीक विधि को अभी स्थापित नहीं किया जा सका है। हालांकि गंध की उनकी गहरी समझ इसमें शामिल है। अटलांटिक सैल्मन 1 से 4 साल तक समुद्र में रहती है। अंडा देने से पहले प्रजातियों के आधार पर सैल्मन परिवर्तन से गुजरती है। उनका कोबर निकल सकता है, कैनन यानी कि दांत आ सकते हैं, काइप का विकास हो सकता है। नर सैल्मन में जबड़े की स्पष्ट वक्रता दिखती है। सभी कुछ बदल जाता है। समुद्र की एक चमकदार नीली मछली से एक गहरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। सैल्मन अद्भुत सफर करती है। कभी कभी मजबूत धाराओं के खिलाफ सैकड़ों मील चलती है और जनन के लिए वापस आती है। करीब 900 मील यानी कि 1400 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है और जब वह अंडा देने के लिए वापस आती है तो प्रशांत सागर से लगभग 7000 फीट की चढ़ाई करती है। सैल्मन अंडे देने के कुछ दिन के अंदर मर जाती है। इस विशेषता को सेमेल पेरिटी कहा जाता है। मत्स्य अंडा देने के लिए मादा सैल्मन पूंछ का इस्तेमाल करती है। सैल्मन फिश 5000 अंडे देती है और अंडे आमतौर पर नारंगी से लेकर लाल रंग के होते हैं। एक या अधिक नर मादा के पास आता है और अपने शुक्राणु या मिल्ट मत्स्य अंडा पर जमा कर जाता है। मादा इसके बाद अंडों को ढक देती है और फिर दूसरा मत्स्य अंडा बनाने के लिए चली जाती है। मादा 7 बार तक अंडे दे सकती है, जब तक कि उसके अंडे की आपूर्ति समाप्त नहीं हो जाती। अंडे देने के बाद सैल्मन फिश मर जाती है और पूरे पानी में सैल्मन मछली की लाशें और अंडे रह जाते हैं। लाशें सड़ जाती है और अंडे में से नई सैल्मन फिश बाहर आती है और फिर एक बार हज़ारों मील का सफ़र शुरू हो जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।